हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी ब्लॉगर ट्यूटोरियल सीरीज की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ब्लॉगर को यूज़ करके अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हो और आप अपनी वेबसाइट में फ्री में प्रीमियम थीम कैसे लगा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट में बिना डोमेन को अटैच कराए पॉपअप एड्स कैसे लगा सकते हो, वो भी फ्री में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ गया हूँ। इसके बाद आपको न्यू टैब ओपन करना है, उसमें आपको सर्च करना है पॉपेट्स। पॉपेट्स सर्च करने के बाद आपको इस वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। मैं पहले से लॉगिन कर चुका हूँ तो मेरे से अभी यहाँ पे लॉगिन करने को नहीं बोलेगा, मैं सीधे अपने डैशबोर्ड में चला जाता हूँ। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी न्यू साइट को ऐड करना है और यहाँ पे आपको अपनी साइट का नाम डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी साइट का यूआरएल डालना है, तो हम अपनी साइट का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको यूआरएल कॉपी करते टाइम ये याद रखना है कि आप पूरा https से लेकर .com तक पूरा कॉपी करो। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पर यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन डाल दो और यहाँ पे अपनी साइट की कैटेगरी चूज कर लो। और अगर आपकी वेबसाइट यूजर को अलाउ करती है कि वो आपकी साइट पर कुछ फाइल्स अपलोड कर ले तो आप यहाँ पे उसको टिक भी कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि पॉपअप्स आपकी साइट पे कौन कौन से एड्स दिखाए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एड वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एड वेबसाइट पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये वेबसाइट पहले ही अटैच कर चुका हूँ पॉपअप से, तो मुझे दिखा रहा है कि वेबसाइट यू ट्राई टू सबमिट ऑलरेडी बिलोंग्स टू योर अकाउंट। और यहाँ पे जो ये स्टेटस आ रहा है, यहाँ पे आपका पेंडिंग हो जाएगा। और जैसे ही आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाएगी आपको एक ईमेल आ जाएगा, उस ईमेल में एक कोड होगा। आप उस कोड को वहां से भी कॉपी कर सकते हो और आप अपनी वेबसाइट का कोड यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक कर भी आप यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है और यहाँ पे डिफॉल्ट में आप उसका लिंक डाल सकते हो जो आपको दिखाना है। अगर इनके पास कोई एड्स शो करने के लिए नहीं होंगे तो आपको वहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अपनी यूट्यूब की वीडियो डाल देता हूँ, अब इनके पास जैसे कभी एड शो करने को नहीं होंगे तो यहाँ पे मेरी वीडियो को पॉप अप कर देंगे। उसके लिए यहाँ पे आपको एंटी एड ब्लॉक एड कोड पे क्लिक करना है, क्योंकि कई ब्राउजर्स होते हैं जिनमें एड ब्लॉक लगा होता है, तो उस वजह से आपके एड्स रुक ना जाए, इसलिए आप एंटी एड कोड को कॉपी कर लो। उसके बाद आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर आ जाना है। ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पे थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एडिट HTML पे क्लिक करना है। एडिट HTML के बाद यहाँ पे ऊपर फोर्थ लाइन में हेड लिखा हुआ है। हेड के नीचे आपको पॉपअप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके नीचे आपको दो लाइन, एक लाइन छोड़कर यहाँ पे आपको ये एड कोड पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको इसको सेव करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट सेव हो चुकी है, यहाँ पे जो एड कोड है ये भी लग चुका है। तो हम अपनी वेबसाइट को रीलोड करके देखते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि अब यहाँ पे मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो एड्स आने चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉपअप एड आने शुरू हो गए हैं। हमारी वेबसाइट पे कोई भी कहीं भी क्लिक करेगा वहाँ पे पॉपअप एड आ जाएंगे और ये पॉपअप एड यूजर के दूसरे टैब में खुलेंगे, तो इससे यूजर को वेबसाइट पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये पॉपअप एड्स आपको अपनी वेबसाइट पे हर पेज पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट पे फ्री में ट्रैफिक कैसे इंक्रीज कर सकते हो और मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिनसे आप अपने वेबसाइट के SEO को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी टेक रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए और आगे आने वाली वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।